नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। हर रोज़ हमारी मुलाकात होती है और मैं आपको बताती हूँ आपका दिन कैसा रहेगा। आज भी हम जानेंगे, आज 2 दिसंबर है, बात करेंगे आज के दिन की कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है द लवर्स। आज मान सम्मान आपके लिए बढ़ा हुआ रहेगा, साथ ही में रुके हुए काम जो थे, जो अभी तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा था लेकिन आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, आज वो पूरे होंगे। साथ ही में मेहनत का फल पूरा पूरा मिलेगा। धन प्राप्ति के सुगम योग बन रहे हैं लेकिन थोड़ी सी चिंता रहेगी आपके बच्चों की तरफ से। वाद विवाद की भी आशंका नज़र आ रही है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है आप उसे अवॉइड करने का प्रयास करें। उपाय क्या करना है, आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, सुबह उठ करके चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड निकल रहा है पेज ऑफ पेंटाकल्स। काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल्स आपके रहने वाले हैं लेकिन अपने इन स्केड्यूल्स को आप प्री प्लानिंग्स करके चलिए, आज आराम का अवसर नहीं मिल पाएगा। साथ ही में कोई ना कोई शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी आपके शुभ चिंतकों की तरफ से। घर परिवार की थोड़ी सी चिंता रह सकती है लेकिन व्यर्थ के विवादों से आप दूर रहेंगे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। उपाय क्या करेंगे, आज 7 रस वाले फल आप किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी। जानते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए कैसा है आज का दिन। आपके लिए कार्ड निकल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आज यात्रा, नौकरी और निवेश जो है काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। उन्नति के योग भी बन रहे हैं और आज अप्रत्याशित लाभ हो सकता है लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है, आज रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना है। आजीविका के क्षेत्र में भी आज उन्नति के योग नज़र आ रहे हैं। उपाय क्या करेंगे, आज गणपति जी को कनेर के फूल चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके काम में आ रही दिक्कतें या जो डिलेज हैं वो खत्म होंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड निकलता है द डेथ कार्ड। विवाद में आज बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है और फालतू खर्च आज नहीं करना है, इन दो बातों का ध्यान रख लीजिए, बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा। चिंता और थोड़ा सा तनाव रहेगा, जाहिर सी बात है आपका खर्च बढ़ रहा है, तनाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है और दूसरों की अपेक्षा आज नहीं करनी है आपको, रिस्क वाला कोई काम नहीं करना है। थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी हो सकता है, ध्यान रहे कि आज आप जितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करना है, आज घर लौटते वक्त लाल रंग के फल या अगर नहीं ला सकते तो कम से कम फूल आप ले आइए, उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि आज का दिन लियोस के लिए कैसा है। कार्ड निकल रहा है द मजीशियन। आज के दिन में जो लेनदारी है वो वसूल होगी। व्यवसायिक यात्रा दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी। थोड़ी सी बेचैनी रह सकती है अपने कामकाज को लेकर के लेकिन धन प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं जिसके लिए आपको अवसर मिलेंगे नए काम को शुरू करने के लिए। जीवन साथी का थोड़ा सा ध्यान रखें और आप खासतौर पर रिलेशनशिप्स का ध्यान रखें। आज अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेंगे वाद विवाद को खत्म करने के लिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है, आज 1.25 किलो काले चने किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कन्या राशि यानी कि आज का दिन वर्गोस के लिए कैसा है। कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोल्स। आज जो आप योजनाएं बना रहे हैं, आज जो प्लानिंग्स कर रहे हैं वो आपके लिए फलीभूत होंगी। साथ ही में कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा आपके लिए सफल रहेगी लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, आज जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, आज नारियल का भोग आपको माँ लक्ष्मी को लगाना है। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं लिब्रंस के लिए दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोल्स। आज राजकीय बाधा दूर होगी यानी कि जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए जो मुश्किलें चल रही थी अभी तक वो खत्म होंगी। पूजा पाठ में यानी कि आज आप स्पिरिचुअलिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा, चिंता थोड़ी सी रह सकती है अपने घर परिवार की लेकिन आज के दिन में बहुत ज़्यादा आवेश में आकर के कोई भी काम न करें, बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर के कोई भी काम न करें। उपाय क्या करेंगे, आज परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं। अगर दिन के टाइम में आपको समय नहीं मिल पाता है तो चाहे जो डिनर टाइम होता है उसमें आप अपने फैमिली के साथ ही अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। आपके लिए कार्ड निकल रहा है स्कॉर्पियंस के लिए 4 ऑफ कप्स। आज वाहन या मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। साथ ही में ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं या फिर जो लोग आपको कहीं ना कहीं गलत एडवाइसेस देते हैं उन लोगों से बच करके चलिए। आज वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण ज़रूर रखें क्योंकि आपकी बातें किसी को बुरी ना लग जाए। दाम्पत्य जीवन जो संबंध जो समस्याएँ चल रही हैं अभी तक वो खत्म होंगी। उपाय क्या करना है, आज संध्या काल में पीपल में आपको जोत जलानी है। ऐसा करने से आपकी फाइनेंसेस में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोल्स।
आज के दिन में कोई भी काम करेंगे थोड़ा सा धैर्य से कीजिए, अपने अंदर संयमता जरूर ले आइए। साथ ही में राज्य के सहयोग आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और धन प्राप्ति के भी सुगम योग नजर आ रहे हैं। परिवार में सुख समृद्धि आज बढ़ेगी। उपाय क्या करेंगे? आज शाम के समय श्री शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही जितनी भी मुश्किलें हैं या जो बाधाएं हैं जो आपके काम के बीच में आती हैं वो खत्म होंगी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड क्या कहते हैं? कार्ड निकलता है द हेरोफेरेंट। आज एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आप बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आज कार्य में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कार्य की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बड़े सौदे भी आज हो सकते हैं। यात्रा होगी, साथ ही में धन मिलने की भी संभावना है। उपाय क्या करना है? 108 गेंदे के फूलों की माला आज राधा कृष्ण पर आपको चढ़ानी है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन कैसा है? कार्ड निकलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आज जो लोग आर्टिस्टिक लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा फूडी हो जाएंगे आज, बाहर का खाना पीने को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यात्रा आज के दिन में ज़्यादा सफल रहेगी और ख़ासतौर पर अगर व्यवसाय से जुड़ी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ध्यान आपको किस बात का रखना है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने लोगों से सलाह लेकर के चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नई योजना के लिए आपको अवसर मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे? आज शनि चालीसा का पाठ करना काफ़ी अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। मीन राशि यानी कि पाइसेंस के लिए आज का दिन कैसा है? कार्ड निकलता है द टेम्परेंस। सबसे पहले तो आज कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। विवाद को बढ़ावा नहीं देना है आपको। अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिसीजंस लें। और व्यर्थ की भागदौड़ भी आज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। किसी बुरी सूचना से आपके थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है? थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा संयम रखना है। अस्थिरता थोड़ी सी बढ़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज काली मिर्च का सेवन न करें, नहीं तो आपकी परेशानियाँ जो आपकी मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये तो हुआ 12 राशियों का हाल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए एस्ट्रो तक।